हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के शेयर के बारे में। लगभग मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर शेयर अच्छा जंप करेगा तो इसका 52 वीक का हाई का रिकॉर्ड टच कर सकता है। बिल्कुल जो बोल रहा है वही हुआ दोस्तों, आज का नया रिकॉर्ड इसने बना दिया मार्केट में। अगर मैं आज का हाई की बात करता हूँ, 378.85 रुपीज़ के आसपास का नया रिकॉर्ड बनाया मार्केट में, और अपने इसने 52 वीक हाई का रिकॉर्ड भी एक और नया रिकॉर्ड इसने दर्ज कर दिया मार्केट में, जो कि 378.85 रुपीज़ के आसपास का। मतलब अगर मैं आज के रिटर्न की बात करता हूँ, डे बाई डे से बात करूँगा मैं, तो शेयर ने आपको रिटर्न दिया क्लियरली यहाँ पे लगभग 9 रुपए के आसपास का, और इधर आपको 2.5% के आसपास का आपको उछाल देखने को मिला है। मतलब काफ़ी शानदार आपको रिटर्न मिला है यहाँ पे। अब दोस्तों, रही बात टारगेट की, जो कि इस वीक में आपको इसने अपने 52 वीक का हाई का रिकॉर्ड नया दर्ज कर दिया है मार्केट में। अब मेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगले वीक में क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर लिया है या करने की सोच रहे हो, जो लोग करने की सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, एक बार आप अपने एडवाइजर से एडवाइस ले लो इसके बारे में, थोड़ी बहुत खुद स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो इसके बारे में कि क्या मार्केट के में क्या रिजल्ट है, क्या फाइनेंशियल है, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उनको मैं एक ही बहुत बड़ी बात बोलूँगा, इस बार 400 को पार। अब दोस्तों, आप इस बात को दो नज़र से देख सकते हो, मैंने आपको बिल्कुल इजीली बोल दिया कि इस बार 400 को पार। ये बात दोस्तों हो सकता है कि अगले वीक में आपको ये वाला प्राइस आपको टच होते हुए देखने को मार्केट में मिलने वाला है, क्योंकि अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँगा तो काफ़ी शानदार है इसका, मार्केट के काफ़ी शानदार है, फाइनेंशियल काफ़ी शानदार इस शेयर का हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपके, आप कमेंट कर सकते हैं।